हाई एवरी वन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो वाई आर वी हेयर टूडे इज बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च दी लाइव क्लासेस फॉर दी आर बी आई ग्रेड बी एक्सपिरंट्स जो कि दो हजार पच्चीस की तैयारी कर रहे हैं एंड वेन आई टॉक अबाउट आर बी ग्रेड बी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव आई नो दर इज अ लॉड ऑफ नेगेटिविटी और आप भी यही सोच रहे होंगे सर ग्रेड भी आएगा भी या नहीं आएगा या ग्रेड ए आएगा, आएगा या कितनी सीट्स आएंगी ऑल आई विल से इन दिस वीडियो दैट येस देर देर इज अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट वेयर यू माइट फील अ लॉर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट दिस काइंड ऑफ अनसर्टनिटी इज देयर सिंस टू हर साल कुछ ना कुछ नया र्यूमर आ जाता है कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी या कम आएगी या फिर सब्जेक्ट नए ऐड होंगे या फिर ग्रेड ए आएगा जो ये वाला चीज है कि ग्रेड ए का इंट्रोडक्शन था वो 2020 में भी एक बार इस पर डिस्कशन शुरू हुआ था अब ये नहीं है कि ये सारे र्यूमर्स हैं द पॉइंट इज दैट दर इज देर इज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन विच विच कीप्स हैपनिंग इन आर बी आई विच माइट बी एट वेरी इनिशियल लेवल्स लेकिन वो न्यूज़ बाहर आकर बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है जिसके कारण पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट दट इज ऑलमोस्ट डन बस ये चीज तो अब ऐसे ही होगी चाहे वो जस्ट से कि प्लीज लेट दैट बी डिसाइडेड बाई द पीपल हु आर एट द आर बी आई वी कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट बात यह है कि ग्रेड बी आए या ग्रेड आए ग्रेड ए आए या 200 सौ आए या 100 सीट आए द पॉइंट इज दैट यू नीड टू डिसाइड राइट नाउ दैट वेयर यू वॉन्ट टू गो अगर ये नहीं करना इट्स ओके बट डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग दैट वेदर आई शुड डू इट और वेदर आई शुड नॉट डू इट वेल दैट्स अनफ ऑन दिस टॉपिक लेट्स नाउ टॉक अबाउट दी लाइव क्लासेज दैट वी आर लॉन्चिंग एज पार्ट ऑफ आर बी आई ग्रेट बी गोल्ड एंड सिल्वर पैकेजेस तो मैं समझा देता हूँ जिन भी लोगों ने हमारा गोल्ड या सिल्वर पैक लिया है उनको लाइव क्लासेस मिलेंगी विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर वी आर स्टार्टिंग बोथ फॉर फेज़ वन एंड फेज टू पैरलली क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले फेज़ वन पढ़ाता रहूं फिर फेज़ टू पढ़ाऊंगा हमें पैरलली प्रिपेयर करना है दैट्स वॉट वी हैव ऑलवेज बीन तो क्या शेड्यूल होगा कितनी क्लासेज होंगी कैसे कवर किया जाएगा ये हम सब डिस्कस करेंगे बट मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो गोल्ड पैक के सब्सक्राइबर्स हैं उनको फेज़ वन फेज टू दोनों की क्लासेस मिलेंगी लाइव क्लासेस जो सिल्वर पैक के सब्सक्राइबर्स हैं दे वुड गेट ओनली द क्लासेस फॉर फेज टू बिकॉज दैट इज अबाउट द होल आइडिया ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर पैकेजेस गोल्ड इज फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन एंड सिल्वर इज फॉर फेज टू प्रिपरेशन तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी क्लासेज हैं वो शुरू हो रही हैं पंद्रह अक्टूबर से

फेज टू की क्लासेज हैं सॉरी फेज वन की क्लासेज है उनका टाइम शाम को रहेगा राइट नाउ इन दी शेड्यूल दट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द टाइमिंग इज फ्राम सिक्स थर्टी टू एट थर्टी बट विद विंटर कमिंग इन ठीक है शायद हम इसको छः से आठ कर दें सो दैट इट इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स दैट दे कम्प्लीट एवरीथिंग विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड देन दे कैन फिनिश विद अदर कोज एंड स्लीप ऑन टाइम सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं हमारे है ना छोटे हम जो बोलते हैं छोटे नहीं होते हैं रात जल्दी आ जाती है बट तो हम पहले फेज वन की क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे सो so ये हमारा फोल्डर है अगर आप बी गोल्ड पैकेज में जाएंगे आपको यहाँ पे दो फोल्डर दिख रहे हैं फेज वन लाइव क्लासेस एंड फेज टू लाइव क्लासेज अगर आप सिल्वर पैक में जाएंगे यू विल सी ओनली वन फोल्डर विच इज फेज टू लाइव क्लासेज सो लेट मी स्टार्ट विद फेज वन लाइव क्लासेस तो ये हमारा शेड्यूल है ठीक है तो वी आर स्टार्टिंग विद रीजनिंग फर्स्ट 15 अक्टूबर से देर वुड बी 15 क्लासेस फॉर रीजनिंग इन विच वी विल कवर रीजनिंग अच्छे से फिर आपका क्वांट शुरू हो जाएगा 7 नवंबर से एंड देन वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश क्वांट की 18 क्लासेस होंगी ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर से वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश तो हम फैकल्टी से बात करते हैं लेट मी मेक यू टॉक टू दी फैकल्टी सबसे पहले मैं विष्णु सर को बुलाना चाहूंगा हम क्वांट के बारे में बात करते हैं तो सर बस मेरे दो तीन सवाल हैं आपसे सबसे पहले इन दी गोल्ड पैकेज पीपल आर ऑलरेडी गेटिंग रिकॉर्डेड क्लासेस की भी मिल रही है so तो सबसे पहले तो लाइव uh, इंटरेक्शन होगा जो रिकॉर्डेड क्लासेज है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं तो यहाँ पर बच्चा अपनी कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट आता है वहाँ भी हम एड्रेस करते हैं बट उसे मेल करनी पड़ती है या डिस्कशन फोरम पे अदरवाइज यहाँ पे वो अपनी लाइव इंट्रैक्शन कर सकता है क्लास के दौरान ही पूछ सकता है तो टाइम बचेगा उसका सर यहाँ पे भी वी विल टीच फ्रॉम बेसिक्स वेरी बेसिक्स कि जैसे रिकॉर्डेड में पढ़ाया है हमारे पास 18 क्लास हैं क्या हम उस 18 क्लासेस में कैन वी टीच स्टूडेंट फ्रॉम द बेसिक एंड कवर एवरीथिंग सर जो भी कंसेप्ट uh, हमने रिकॉर्डेड बैच में कवर किए हैं वो सारे कन्सेप्ट हम यहाँ भी कवर करेंगे बट क्लासेस क्या है कि वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा होंगे या थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे अदरवाइज कुछ भी मिस नहीं होगा सारे टॉपिक्स वो भी यहाँ भी डाले हैं और मतलब बहुत अच्छे से होने वाला है सर तो बेसिकली जिन बच्चों को एक आदत है कि टीचर आए पढ़ाए डेली का एक टारगेट हो डेली का एक आ, आ, कुछ होमवर्क क्वेश्चन मिल जाए डेली के कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाए उनके लिए लाइव क्लासेस बेस्ट रहेंगी सर और सर क्वांट में जो इस बार हमने देखा आर ने जो खेला खेला है इट हैज बीन वेरी टफ और जो कट ऑफ बनाई उन्होंने मतलब उसमें और भी खेला खेला कि पेपर इतना टफ बना दिया कि कट ऑफ लग रहा था चार जानी चाहिए बट कर दी साढ़े सो व्हाट इज योर मैसेज टू एस्पिरेंट्स क्योंकि बहुत सारे लोग सर इस बार तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा किया ओवरऑल क्वांट में बस मतलब साढ़े सात के तो आसपास भी नहीं है सर चार साढ़े चार ऐसे नंबर है सर आरबीआई क्या करता है ये हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे हाथ में पढ़ना अभी लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल टाइम पे जाके प्रिपेयर करेंगे उनको चार पांच टॉपिक पढ़ने हैं और उसी अकॉर्डिंग ना उतनी प्रैक्टिस हो पाती है और हाई लेवल की प्रैक्टिस हो नहीं हो पाती है थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अभी टाइम है हम पढ़ेंगे उसी लेवल पे जैसा आर पूछता है हमने रिकॉर्डेड में भी वैसा ही दिया है लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा अगर बच्चा टाइम निकाल के पढ़ेगा प्रैक्टिस करेगा तो साढ़े सात भी बड़ा टास्क नहीं होगा सर नो शॉर्टकट्स नो शॉर्टकट्स तो और इसमें यह भी अच्छा है सर ये नहीं है कि लाइव क्लासेस कुछ अलग हम दे रहे हैं कुछ अलग प्राइस है जिनके पास भी गोल्ड पैकेज है उनको फेज वन फेज टू की लाइव क्लासेस मिलेंगी जिनके पास सिल्वर पैकेज है फेज टू की लाइव क्लासेस दिस इज पार्ट ऑफ योर बंडल यू नीड नॉट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा ठीक है और कुछ सर छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे अगर आप कुछ सर मैसेज तो यही है कि टाइमली स्टार्ट करिए वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगी फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आओ और लाइव क्लास में फायदा ये होगा कि आप रिकॉर्डेड देखते हो फिर आप अपने डाउट भेजोगे आपके दिमाग में रहता है कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती लेकिन जब दो लोग आमने सामने बात करें तो शायद पढ़ने में मजा भी आता है ज्यादा वैसे रिकॉर्डेड क्लास भी हमारी इतनी ही इंटरेक्टिव है बट यहाँ पे ये यह होगा कि मतलब लाइव बात करके आप कोई भी डाउट तुरंत पूछ सकते हो आपके मन में पता नहीं कितने डाउट आते होंगे किसी चीज को लेकर के तो ये ज़्यादा मजेदार मजेदार्स हर एक तो 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 टॉपिक यस सर, सर। जो टॉपिक हमने रिकॉर्डेड में दिए हैं वो सारे टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स नहीं पर्टिकुलर शेड्यूल क्लासेस दो घंटे की रहेंगी कभी कभी तीन घंटे की भी हो सकती हैं जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड ठीक है विष्णु सर थैंक यू तो ये विष्णु सर ने हमें बताया क्वांट के बारे में ठीक है ये टाइम जैसा मैंने बताया अभी साढ़े छः से साढ़े आठ है वी माइट बी चेंजिंग इट टू सिक्स टू एट बट वो भी कंफर्म कर देंगे हम ठीक है सो so अभी रीजनिंग की बात करते हैं योर क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट विद रीजनिंग मैंने पहले विष्णु सर को बुलाया क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट काम था तो उनको एक और क्लास लेनी थी तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं मेघना मैम वेलकम सो मेघना मैम रीजनिंग का ये शेड्यूल अगेन हमारी आई थिंक पंद्रह क्लासेज हैं रीजनिंग की फिफ्टीन अक्टूबर को हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर कम्पलीटेटेड बाई सिक्सथ ऑफ नवंबर तो विद इन थ्री वीक्स छुट्टियाँ वुट्टियाँ मिला के तीन वीक्स में हम सारा कर देंगे तो so, मैम इसमें अगेन बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा और आर वी एक्सपेक्टिंग के भैया पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आओ तब ये क्लास आपको समझ आएगी नो no सर इसमें बिल्कुल बेसिक्स है हर एक जो टॉपिक है आपका उसका जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है और उसमें फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके डिफरेंट अलग तरीके से कराए जाएंगे और फिर आपके आरबीआई लेवल या फिर हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं आर के वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे साथ के साथ तो ऑलमोस्ट मतलब आपका जितना भी टॉपिक है ना वो अच्छे से कवर हो जाएगा के में हम बता देंगे कि हम हाँ। जैसे ऑन फिफ्टीन हमारी ओरिएंटेशन क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेशंस हैं उसमें हम टॉपिक्स को कैसे पढ़ रहे हैं क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं कैसे कवर करेंगे ठीक है देन वी आर स्टार्टिंग विद एंड अल्फा सीरीज कोडिंग मशीन इनपुट आउटपुट सिलोजिज्म इनिक्वालिटी रैंकिंग ऑर्डर ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस सिटिंग अरेंजमेंट डेटा सफिशियंसी पजल्स हैं आपकी और क्रिटिकल रीज़न मतलब आपने देखा हमने कुछ भी मिस नहीं किया इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जो आर बी आई के एग्जाम में आएंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर करना है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड डाउट्स भी जितने भी आपके मन में डाउट आते हैं ड्यूरिंग द सेशन आप उन सारे डाउट्स को पूछ सकते हो ठीक है एंड वी आर गोइंग टू रिजॉल्व योर डाउट्स तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होने वाली हैं इन सेशंस में

तो ये रीजनिंग का शेड्यूल था जिसमें आपके पंद्रह लेक्चर्स रहेंगे स्टार्टिंग फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर उसके बाद हम क्वांट शुरू करेंगे जो वी सर से बात की ठीक है तो मतलब लाइव क्लास में एक बात तो है यार अगर हम शेड्यूल फॉलो कर लेना आप देखो कि हम कितनी जल्दी पंद्रह अक्टूबर को ही शुरू करके हम अट्ठाईस नवंबर विद इन जस्ट फोर्टी फोर्टी फाइव डेज हम क्वांट और रीजनिंग खत्म कर देंगे विच आज दी विच आर दी मोस्ट रेडिड कॉम्पोनेट्स मैं बोला हूँ चाहे हंड्रेड परसेंट ना हो चलो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट भी अगर हमने इन लेक्चर्स के थ्रू अपना कवर कर लिया उसके बाद माई सेवेंटी एट्टी परसेंट जॉब इज डन मुझे प्रैक्टिस करना है थोड़ा और उसको पॉलिश करना है सो लाइव क्लासेस में ये तो आपको बहुत फायदा रहता है दैट थिंग्स गो विद शेड्यूल यू ऑल्सो टारगेट कि मुझे आज ये टीचर आएगा ये पढ़ाना है ये पढ़ा दिया है मेरा ये पीछे रह गया है ये मुझे कवर करना है यू हैव अकाउंटेबिलिटी टू समथिंग दैट्स इट जो शायद वैसे मिसिंग रहती है हम सोचते हैं कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे आज इतना ही पढ़ लेते हैं लाइव में पता रहता है कि हम कितना पीछे या कितना आगे चल रहे हैं तो so नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा नरवीर सर को द दफ दिसंबर इसमें सर इंग्लिश की इतनी क्लासेस सर मैं तो सोच रहा था इंग्लिश थोड़ा ट्वेंटी को हम इंग्लिश शुरू कर रहे हैं और हमारे अराउंड सेवन एटीन लेक्चर्स हैं तो सर इसमें भी इंग्लिश हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे uh, yeah, uh, we'll hmm. उसके बाद जो अपना बेसिक्स एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम सेशन के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं फिर होमवर्क भी मिलता है हर सेशन के साथ प्लस आपको हर चैप्टर के दो दो क्वेजेस मिलते हैं तो देर इज अनफ ट देर इज अनफ टू लर्न और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइव क्लासेस का डाउट डाउट रेजोलूशन वा फैकल्टी के साथ सा, मतलब लाइव पूछ सकते हो जो भी और इंग्लिश में तो बहुत डाउट होते हैं सर बच्चों के बहुत बेसिक डाउट्स हो जाते हैं क्योंकि मतलब दे आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम मैनी ऑफ दम तो ये सबसे अच्छा पार्ट है लाइव क्लासेस का आई थिंक सर लोग क्वान्ट रीजनिंग के बारे में बहुत सोचते हैं बट पीपल डोंट रियलाइज दट येस यू विल स्टडी हार्ड एंड यू विल क्लियर दी कट ऑफ इन क्वान बट वाट अबाउट दी ओवरऑल कट ऑफ उसमें शायद इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है ना तो क्वांट रीजनिंग में तो आप फंस ही गए और इंग्लिश में अगर आपके शायद पंद्रह अठारह नहीं आए थे इसमें से इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन बोथ द फेजेज फेज वन और फेज टू में तो डेजिग्नेटेड पेपर है ही इंग्लिश का तो इंग्लिश इसलिए हम कहीं जल्दी करना चाहिए ताकि आप इसको देखो तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है इसको डेवलप करने में टाइम लगता है तो यू कैन डू इट इन टेन डेज फिफ्टीन डेज ये तो कहने वाली मजाक की बातें कि पंद्रह दिन में हम सारा करा देंगे दिस इज ओनली बेसिक कवरेज ऑफ सिलेबस एंड वॉट यू नीड फॉर द एग्जाम अब उसके बाद आपको डेली पढ़ना है एडिटोरियल रीडिंग कैसे करनी है वोकेबुलरी कैसे बिल्डअप करनी है वो सब यहाँ पे आपको हम कवर करवाते हैं एंड दैट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल और आप टाइम से शुरू करते हो तभी आप टाइम से इसको इंप्रूव भी कर पाओ थोड़ा सर विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स अगर आप देख पा रहे हो तो फर्स्ट डे अपनी ओरिएंटेशन क्लास है तो विल ओरिएंट द स्टूडेंट्स कि क्या होने वाला है इन क्लासेस में क्या जो कौन से चैप्टर हैं जो हम मतलब कवर हम चैप्टर हम सारे ही कवर कर रहे हैं बट क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं जो हमें टच करने चाहिए बेसिकली सबसे पहले ग्रामर हम कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन प्रोनाउन हर टॉपिक को देखो सर दो दो क्लासेज आपको मिली हुई हैं ब्रेक कर करके ताकि आप कोई कोई डाउट रह गया आज ही क्लास में आप नेक्स्ट डे भी उसको मतलब एसोसिएट कर पाओ उसके साथ तो हर पहले हम पूरी ग्रामर कवर करेंगे सर फिर उसके बाद हम आते हैं अपना वो वाले पार्ट में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है आपके पेपर में डबल फिलर्स क्लोज टेस्ट रीअरेंजमेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एनी वन एट द एंड हमने लाइव मॉक टेस्ट भी रखा था कि बच्चे को खुद की वो मिले कि मैंने सारा कवर कर लिया अब तो मेरा मैं आज कहाँ पर खड़ा हूँ तो दैट्स द प्लान फॉर दीज क्लासेस सर इसमें मतलब अगर किसी के पास रिकॉर्डेड भी हैं और लाइव भी हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गोल्ड में है सबके पास ही ऐसा है तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो रिकॉर्डेड पे जाएं या लाइव देखें और किन पैरामीटर्स पे वो डिसाइड करें सर ये थोड़ा सा सेल्फ इवेलुएशन से बेटर रहता है कि अगर मैं एक बिगिन अपने आप को देखो जज करना बहुत ज़रूरी है जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो वॉट एनालिसिस ज़रूर करो मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं मेरी वीकनेसेस क्या हैं अपॉर्चुनिटी क्या है थ्रेट्स क्या, क्या, क्या है तो जब आप इनको एनालाइज करते हो तो इंग्लिश में आपको समझ आता है कि वैन यू आर स्टार्टिंग आउट कि अगर आप बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हो आपको आपने आज से पहले प्रिपरेशन नहीं किया है आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो आई थिंक फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत डिटेल में है उसमें आपका बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक एक चीज़ पे बहुत डिटेल एग्जांपल देके उसको पढ़ाया हमने ये जो क्लासेज हैं इनमें क्या होता है दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू इंटरेक्ट विद द फैकल्टी मेंबर अपने लाइव डाउट पूछना है आपने जहाँ पे आपका थोड़ा सा अपने प्रेपरेशन कहीं ना कहीं पहले मे भी कर रखा हो या शुरू किया हो और अधूरा रह गया हो या किसी दूसरे एग्जाम के लिए किया हो लेकिन आपको आइडिया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मतलब एरर डिटेक्शन क्या है क्लोज टेस्ट क्या है अगर इफ़ यू नो ऑल दैट तो आई थिंक लाइव क्लासेज इज द आई मीन दीज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इसमें कवर करना बहुत ही जिसको हम बोलते हैं ना बहुत ही स्मूथ हो जाता है और आप टाइमली well. बेसिस अगर हम अभी शुरू करते हैं ऑफ दिसंबर इवन वन दिस ईयर हैज नॉट फिनिश यू विल कंप्लीट यूर क्वान्टीज इन इंग्लिश भले ही अच्छे से ना हुई हो मैं कह रहा हूँ भले ही हंड्रेड ना ही हो लेकिन एक लाइव लेक्चर्स देख के एक आइडिया लग जाएगा क्या स्कोप है कहाँ मैं अटक रहा हूँ क्या मेरा अच्छा है एंड विद इन नेक्स्ट टू मंथ्स इवन यू कैन पॉलिश इट मोर एंड जस्ट बी हंड्रेड परसेंट कम्पलीट इन योर प्रिपरेशन तो थैंक यू सर आई होप के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े आप लोग तो अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं क्योंकि बाद में बहुत दुख होता है जब हमें पता लगता है कि यार इसका वैसे स्कोर एट्टी था कट ऑफ सिक्सटी थी लेकिन इस सेक्शन में कम रह गए ऐसा हो गया तो लेट्स नॉट बी विक्टिम ऑफ दैट ट्रैप जहाँ पे हम चीजें अच्छे से नहीं कर पाते हैं एक आधी जगह और दैट इज द रीजन फॉर डाउन डाउनफॉल हमें बहुत अच्छे से हर चीज पे फोकस करना है आर बी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे यू कैन नॉट है ये गोल्ड पैकेज में भी मिलेंगी बट ये सिल्वर पैकेज में नहीं मिलेंगी समबड़ी हेयर माइड भी थिंकिंग के सर करंट अफेयर्स की क्लासेस का क्या है तो फॉर करंट अफेयर्स वी आर ऑलरेडी हैविंग सम सेशंस ऑन यूट्यूब बाकी आपको पी डी यहाँ पे मिलते रहेंगे एंड आई थिंक एटलीस्ट राइट नाउ द टाइम इज नॉट राइट फॉर करंट अफेयर्स अभी तो मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा मत देखिए फोकस ऑन योर स्टैटिक पार्ट जैन फेब ऑनवर्ड्स

तो मैं इसका एक बार शेड्यूल खोल लेता हूँ इसमें वी विल स्टार्ट विद मैनेजमेंट फर्स्ट ऑन फिफ्टीन ऑफ अक्टूबर देन वी विल डू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को वी हैव पुट इन बिटवीन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस सो दैट यू गेट लिटिल विट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मैनेजमेंट में इतना टाइम लग गया लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जल्दी होगी सो आई एम एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर हाफ ऑफ माई फीस हंड्रेड मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड फिफ्टी मार्क्स फॉर मैनेजमेंट फिर हम फाइनेंस करेंगे और एंड में ई एस आई करेंगे बिकॉज ई एस आई अगेन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर स्टैटिक परस्पेक्टिव तो ज्यादा करंट अफेयर्स आते हैं बट फिर भी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ताकि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो आप कर पाए वो हम कवर करेंगे तो ये इसका शेड्यूल है के फिफ्टींथ अक्टूबर से जैसा मैंने बोला वी विल स्टार्ट विद मैनेजमेंट एंड वी हैव गिवन यू लॉट ऑफ डेज इन बिटवीन राइट फॉर रिवीजन मतलब संडेज हम क्लासेस नहीं रख रहे हैं इट कैन बी हार्ड फॉर यू तो आप इस दिन अपना रिवाइज कीजिए छुट्टी आपको नहीं मारनी है ठीक है आपको पढ़ना है तो ये मैनेजमेंट चलेगा आपका ट्वेल्थ नवंबर तक यहाँ नवंबर की स्पेलिंग गलत है आई बेग यू पार्डन फॉर दैट डोंट वरी गलतियाँ होती हैं थर्टीन नवंबर से वी विल स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड बाय ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर हम ये भी पूरा कर देंगे फिर हमारी फाइनेंस की क्लासेस शुरू होंगी बाईस नवंबर से ये थोड़ा लंबा चलेंगी क्योंकि फाइनेंस बहुत ही एक बड़ा सब्जेक्ट है तो 22 नवंबर से 23 दिसंबर ऑलमोस्ट वन मंथ यू विल हैव कवरेज फॉर फाइनेंस एंड देन वी विल स्टार्ट विद ई ठीक है ई का भी स्कोप ज़्यादा है बट ये इतना हमें टेंशन से नहीं पढ़ना पड़ेगा मैं ये बताऊँगा आपको तो ये ट्वेंटी दिसंबर सर क्रिसमस को भी क्लास रख दी क्या आपने <laughs> ये हम देखेंगे छुट्टी देंगे आपको टेंशन मत लीजिए आप ठीक है तो ये आपकी ये आपकी पद, तक again, हम सारा नंबर का तैयारी करवाएंगे classes, 24 29 ये अभी पांच है बट इफ परमिट्स वी विल टेक मोर और बाकी अगेन हमारा परस्पेक्टिव थ्री सिक्सटी डिग्री इज गोइंग ऑन यूट्यूब चैनल तो वहां से आप बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके कोर्स में बहुत सारे uh, मिनी मॉक टेस्ट हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं विच वी आर एवेलुएटिंग फॉर यू गैस तो उस फ्रंट पे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा सो so, सबसे पहले मैनेजमेंट की डिस्कशन करते हैं गलत सर सर मैनेजमेंट के कितने लेक्चर रख दिए आपने चार नौ बारह बारह बीस बाईस लेक्चर हैं सर तो आई थिंक मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं हाँ जी सर बिकॉज लास्ट टाइम ये हुआ था कि जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एथिक्स वो हमने एक क्लास में कर दिए थे अब उसे दो क्लास में करा ताकि वी कैन गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज ऑल्सो आई थिंक मैनेजमेंट इज ईजी बट वी आर गिविंग मोर टाइम टू दैट बिकॉज मैनेजमेंट इज वन सच एरिया वेर यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स मतलब पचास नंबर का सपोज आता है तो आई कैन नॉट सी के इवन थर्टी एट इज अ गुड स्कोर विच माइट भी गुड इन फाइनेंस बट मैनेजमेंट में आई वुड एटलीस्ट ट्राई टू टारगेट फोर्टी टू फोर्टी थ्री even 45 46 if I am very good in descriptive totally agreed sir and you need a wide coverage like aap wo risk nahi le sakte ki jo syllabus mein theories hai wahi karke jao so you need a wide coverage isliye sir do classes jyada rakhi management ke liye bhi nahi sahi hai sir sir और इसमें भी what would you recommend to a student if somebody is a subscriber of say gold package के वो recorded देखे या ये देखे.

थिएटर में पिक्चर देखना इज अ लाइव क्लास उसको सोनी मैक्स पे देखना विद ऑल दैट ब्रेक्स इज अ रिकॉर्डेड अब आप देख लो आपको क्या पसंद है कहीं को लगा कि नहीं सर कौन थिएटर जाएगा घर पे बैठ के देखते हैं चाय पकौड़े बना के है ना तो यू डिसाइड बाकी वही है कि लाइव इज अ एक्शन ऑरियंटेड थिंग वेयर यू नो कि हाँ यार ये चैप्टर है इसके कुछ एम भी कर लिए इसकी रिविजन भी होगी खत्म हो गया एक बार रिकॉर्डेड में आप लटकाते रहते हो बिकॉज देर इज नो स्पेसिफिक टारगेट फॉर यू टू कवर डेली लाइव तो चलता रहेगा इट्स लाइक अ ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन वुड कम सर लाइफ विल ऑल्सो बिल्ड योर हैबिट हैबिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि सुबह उठ के जाना है इफ़ यू डोंट कम इन लाइफ क्लास देन यू आर आउट ऑफ द रेस रिकॉर्डेड मेज यू सेट स्टूडेंट्स प्रोस्कैट करते रहते करते रहते करते रहते और सर मैनेजमेंट में वही स्टोरी अप्रोच हमें रखनी है कि विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज वी अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स राम शाम मोहन सबको लेके आएंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दी कंसेप्ट राइट हमारे कंट्री में रामचंद्र जी का नाम इतना कॉमन है कि सबसे पहला नाम जो एग्जाम्पल में याद आता है वो राम शाम याद और जनरली अगर कहीं राम शाम लिखा हुआ ना तो मतलब समझ लो उस उस बंदे ने शायद बुक अपने आप लिखी है कॉपी पेस्ट नहीं मारी है तो एनी वेज सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा और था कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दो वी हैव सेपरेट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्लासेज इन एंड बट विल बी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट के चलो हर दो चैप्टर के बाद एक आधा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दे दिया सो दैट स्टूडेंट कैन हैव दी फ्लेवर कि मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ क्या उस तरह से मैं डिस्क्रिप्टिव भी कर पाऊंगा या नहीं हाँ जी द आंसर इज येस बट डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए फर्स्ट यू नीड द नॉलेज जैसे अगर मुझे पता ही नहीं मैथ्सू की कितनी नीड्स है तो चाहे मैं जितना अच्छा भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैं नहीं लिख पाऊंगा राइट सो यू नीड द कंटेंट सो फर्स्ट वी विल मेक श्योर दैट यू हैव द कंटेंट एंड देन येस आफ्टर वन और लाइक टू क्लासेज वी विल गिव यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आल्सो बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे सोली स्लोली यू विल बिल्ड योर नॉलेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सोज बहुत कॉम्प्रींसिव सिलेबस uh, है यहाँ पे ठीक है तो मतलब मोटिवेशन कम्युनिकेशन लीडरशिप के दो तीन पार्ट है तीन पार्ट है लीडरशिप के जनरल मैनेजमेंट के जिसमें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं देन पर्सनालिटी परसेप्शन सिलेबस का कोई भी पार्ट आपका छूटा नहीं है ठीक है जलसर थैंक यू आई होप हम पिछले साल से भी अच्छा करें नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नरवीर सर अगेन <laughs> सर मतलब मुझे मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूं सबसे छोटा कॉम्पोनेंट सर छः क्लास में हम निपटा रहे हैं और मुझे पता है आप अच्छे से करा दोगे बच्चा नहीं करता है सर तो आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब अब ये लाइव क्लास का फायदा तो वो उठा ले कम से कम इसको छः क्लास में निपटा के प्रैक्टिस कर ले भाई दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू इंग्लिश एक बहुत स्कोरिंग पेपर है फेज टू का मुझे लगता है सर फेज टू में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वो देते ही इसलिए कि बच्चा जो टफनेस जो एफएम और ई एस आई में है, उसका उससे कहीं उसका कॉम्पनसेट वो इंग्लिश में कर पाए राइट right? तो so, मुझे ये लगता है क्योंकि इसमें हर स्ट्रीम से बच्चा आता है तो इट डजन मेक सेंस कि आप सिर्फ फाइनेंस वाले को एक वो एडवांटेज मिल रहा है वहाँ पे तो so, मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक तो ये भी फैक्टर है दूसरा ये भी फैक्टर है सर व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू डील विद ई लेटर्स मेमोज रिपोर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस तो आप आर के बिहाफ पर कोई ई लिख रहे हो और गलत इंग्लिश लिख रहे हो कैसा लगेगा डजन मेक सेंस तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेस्ट यू कि आपकी जनरल नो हाउ कैसे देखो दे आर नॉट लुकिंग फॉर शेक्सपियर ये सच्चाई है बट दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन राइट डिसेंटली वेल तो इसका इसीलिए छः सात क्लासेस में हम इसको करते हैं क्योंकि तो इसमें आपको बच्चे को एक बात समझाना होता है कि ऐसे राइटिंग ऐसे डेवलप होती है ये स्ट्रक्चर्स हैं प्रेसी का ये फॉर्मेट है रीडिंग mm. कॉम्प्रीशन में इलेबोरेशन स्किल्स आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा और वंस दे लर्न दैट ठीक है देन दे विल बी एबल टू डेवलप विद यू नो डेवलप इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इसमें सारा प्रैक्टिस का गेम ज्यादा है इसमें देखो ऐसे राइटिंग में कोई रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं सर कि मुझे आपको रूल बताने कि ये रूल फॉलो करना है ये नहीं करना है ऐसे इज़ अबाउट योर वे ऑफ आर्टिकुलेशन हाउ डू यू आर्टिकुलेट योर आइडियाज़ और उसके लिए जैसे जलत सर ने भी बोला कि आपके कॉन्टेंट काफ़ी सॉलिड होना चाहिए पहले तो उसके लिए हम बच्चों को फर्दर मटीरियल देते हैं वी विच वी रेगुलट रेगुलरली अपडेट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम एंड उसके बाद दूसरी चीज़ है जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को समझा रहे हैं लाइव क्लासेज में कि देखो यार ऐसे लिखना है दो दो क्लासेज का पर्पज़ क्या है सर एक क्लास में पूरा फंडामेंटल कवर हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में हम लाइव बच्चों को होमवर्क देते हैं मैं उनको लिखना सिखाता हूँ वहाँ पे कि देखो यार इंटर में आप क्या लिख सकते हो इस सेशन में या इसके हम अगर हम ब्रेन करें तो ये पंद्रह पॉइंट्स बनते हैं अगर आपने पंद्रह पॉइंट्स का एक भी सेंटेंस बना दिया यू मेक इज मोर दियान सेवेंटी फाइव ऑल सॉर्टेड दैट वे वो बच्चे को एक डायरेक्शन मिल जाती है और वो प्रिपेयर अगर स्मार्टली करेगा तो, तो देन ही बी एबल टू डू वेरी वेल प्रॉपर हैंड होल्डिंग है सर आई थिंक यही मेन चीज है लाइफ क्लास प्रोग्राम की यू गेट प्रॉपर हैंड होल्डिंग कहीं भी आप फंस गए हो एक टारगेट तो है ही टारगेट अचीव करते हुए भी इस क्लास में ये समझ नहीं आया यू कैन आस्क योर फैकल्टी यू कैन आस्क फॉर द फीडबैक इफ यू हैव रिटन समथिंग सो दैट्स अ वेरी गुड टू वे मैकेनिज्म बट वो आप पे है आप उसको कितना यूज कर पाओगे तो सर छः क्लास में हम करा देंगे आई नो के, के सिलेबस ज़्यादा नहीं उसके बाद आप क्या रिकमेंड करेंगे बच्चों की लाइव क्लास खत्म होगी तो अपना प्रैक्टिस वैक्टिस करें आराम से नहीं सर इसमें दो तीन चीज़ें हैं हाँ प्रेस और आरसी की तो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि ओवरनाइट आप इसमें एक्सेल कर जाते हो तो प्रेसी और आरसी को और जिनके लिए हमने उनको सैंपल प्रेसी सैंपल आरसी कोर्स में दिया हुआ है गोल्ड वालों को दे डोंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट के यार कहाँ से करें कहाँ से करें ऐसे में एक ऐसी चीज़ है क्योंकि ऐसे बड़े डायनेमिक्स का क्वेश्चन होता है कि टाइम के साथ नए टॉपिक आते रहते हैं नई अब यू डोंट नो कि अगले साल जून जुलाई तक क्या हो जाएगा नवर नो क्या पता वर्ल्ड वॉर थ्री हो जाए और मतलब गॉड फॉजिक नहीं होना चाहिए बट हु नोज तो अब अब पता नहीं कल क्या कल को क्या टॉपिक मिले वहाँ पे तो वी डोंट एक्सपेक्ट के हम मतलब दो साल पुराने टॉपिक को हम अगले दो साल बाद के लिए प्रिपेयर करें तो हम टॉपिक अपडेट करते रहते हैं बच्चों को कंटेंट देते रहते हैं तो कंटेंट बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम्पल देता हूँ अगर मान लो मैं आपको अभी बोलता हूँ कि फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया के ऊपर या रोल ऑफ ए इन माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर आपको छः वर्ड का ऐसे लिखना है राइट right नाउ अब आप उसमें कितना लिख पाओगे पूछो अपने आप से चार लाइने दस लाइने हो जाते हैं लेकिन अगर आप सही से प्रिपेयर करके जा रहे हो आपके पास बैकग्राउंड है इसका कॉन्टेंट है देन यू यू बी बी एबल एबल टू टू नो एंड प्रेजेंट योर आइडियाज वेल थैंक सर और मैं यही बताऊंगा कि भैया इसको बहुत अच्छे से करना सौ नंबर क्लास लगा के आप उसमें मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट हम मैं बोलूंगा इसको हम बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट मैं फ्रूटूंगा लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है ये इसको भाई ले लो को तो मत छोड़ो तो नेक्स्ट हम फाइनेंस की बात करेंगे सो so फाइनेंस uh, आज हमारे साथ जलत सर एंड जसकरन सर नहीं है कि uh, हो गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हो गया बॉन्ड्स हो गया ठीक है दी अदर चैप्टर्स जो हमारे हैं प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट बैंकिंग सिस्टम फंक्शन ऑफ आर बी आई ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो आपको जस्करन सर पढ़ाएंगे तो so, सर सर अगेन फाइनेंस का शेड्यूल बहुत लंबा है एक महीना हम पढ़ा रहे हैं जबकि मैनेजमेंट शायद बीसक दिन में है इसमें हम एक मंथ से भी ज़्यादा ले रहे हैं तो वॉट अबाउट अ स्टूडेंट फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग फॉर श्योर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स ओनली इफ ही ऑर शी अटेंड द लाइफ क्लास देन येस इफ़ दे डोंट अटेंड देन आई डोंट थिंक दर इज अ पॉसिबिलिटी एंड सर फाइनेंस में क्लासेज इसलिए ज्यादा है बिकॉज फाइनेंस ऑलमोस्ट लाइक थर्टी टू ट्वेंटी ट्वेंटी चैप्टर्स इन मैनेजमेंट रफली अराउंड फिफ्टीन टू सेवनटीन चैप्टर्स एंड फाइनेंस में सर हम लोग भगा नहीं रहे एक, -एक मतलब जो चैप्टर है इफ़ यू सी द स्ड्यूल ओरिएंटेशन से स्टार्ट करके फॉरवर्ड्स को हमने अलग क्लास में समझाना है ऑप्शंस को अलग में इक्विटी मार्केट को अलग क्लास दी है डेट मार्केट को अलग क्लास दी है पॉलिक्स को अलग दिए तो जितने भी आपके मार्केट के सेगमेंट्स हैं उन सबको अलग अलग समझाना चाहिए हमें मोर ओवर फिर आपका आप देखोगे कि जो बैंकिंग रिलेटेड चैप्टर्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम रोल ऑफ आई टी अभी जैसे नरवीर सर क्वेश्चन पूछ रहे थे राइट दैट हाउ विल बी द रोल ऑफ ए आई एंड माइक्रो फाइनेंस अगर आप उसे फाइनेंशियल इनक्लूजन और रोल ऑफ आई टी से पढ़ के करते हैं एड्रेस जो आपके पहले दस लाइने थी वो ज्यादा हो जाएगी राइट तो कंटेंट आपका यहीं से बनेगा द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम और फिर आपकी अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर्स भी होंगे जो कि मैं लूंगा स्टार्टिंग विद आई वुड से फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बैलेंस शीट एक बड़ा चैप्टर है इसलिए उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया है

उनको आप पेशोरिटी दे सकते हो कि भैया अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आप समझ जाओगे इतना मुश्किल नहीं है सर sure, अब मैं आपको सर इसका डेट बताता हूँ जब हमारा फाइनेंस खत्म हो रहा है फाइनेंस इज गेटिंग ट्वेंटी थर्ड तो सर अपन जो पच्चीस को अपन अपनी छुट्टी प्लान करी उस दिन ये क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों ने लाइव किया है एंड आई कैन गारंटी यू दैट दो स्टूडेंट्स हु डेडिकेटेड लाइक जब हमने रिविजन के लिए डेज छोड़े आप रिवाइज करो एंड डेफिनेटली योर प्रोडक्ट द प्रोडक्ट विच यू आर विल डेफिनेटली भी डिफरेंट आप पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए दिस आई केन अश्योर यू क्या मेहनत करेंगे ऐसा नहीं किया उठा के आगे क्लासेस में वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि यू आर द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आर बी आई ग्रेड बी वी विल ट्राई टू मेक यू बेस्ट

सो वी विल बी स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक्स पहले तो ओरिएंटेशन क्लास ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले क्योंकि एक मिथ होता है एक मिथ है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ सकते हैं पर इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर मॉनेटरी पॉलिसी टूल से एक डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था अब उसी टाइम पर ई में करंट अफेयर्स से काफ़ी हैवी क्वेश्चन आए थे रिपोर्ट से क्वेश्चन थे तो स्टूडेंट्स वर्क वेरी अफ्रेड तो अगर आपको बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है ई की तो जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजी या ब्रॉड सेंस में आते हैं तो यू कैन ईजली आंसर दैट तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई वुड से कि मस्ट है और अगर आपको करंट अफेयर्स समझना है अगर आपको बजट समझना है फिजिकल डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर फिजिकल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप स्टैटिक में समझोगे ठीक है ताकि आप उसको करंट अफेयर्स में यूज कर पाओ तो एक सर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने क्लासेस पॉवर्टी एलिवेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैम यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे कहाँ पढ़ाते हैं सर जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें यूनियन बजट कवर हो जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी और का पूरा सेगमेंट आ जाता है और yeah. इसके बाद वी ऑल्सो uh, uh, में प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट्स है तो हम प्रोवाइड कर देते हैं साथ में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रैक्टिस तो देखिए मतलब यहाँ तक आपकी इकोनॉमिक्स चल रही है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स अर्बनाइजेशन माइग्रेशन जेंडर इशू सोशल जस्टिस और लास्ट में कुछ क्लासेज हैं एक्सक्लूसिवली फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वैसे हम बीच बीच में भी प्रैक्टिस करेंगे बट फिर एक्सक्लूसिवली टू है फाइनल कॉन्फिडेंस ओवर आर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वी विल कंडक्ट दिस सिक्स क्लासेस और भी कर लेंगे अगर टाइम मिला डिपेंडिंग अपॉन वॉट आर दी डेट्स तो मैम इतनी हम बोल सकते हैं बच्चे को कि भैया लाइव क्लास ज्वाइन करो

मैं रिपीट कर देता हूँ वी आर स्टार्टिंग क्लासेस लाइव क्लासेस जिसमें नो no बकवास इट वुड बी स्ट्रेट स्ट्रेट और एंटे टूवर्ड्स योर सिलेक्शन प्रॉबेबिलिटी, ताकि आप मैक्सिमम पढ़ सके मिनिमम टाइम में दो घंटे को ऐसा बनाया जाएगा कि आप तीन घंटे की स्टडी करके जाए फेज टू लाइव क्लासेज एंड फेज वन लाइव क्लासेज आर स्टार्टिंग बोथ ऑन फिफ्टी ऑफ अक्टूबर फेज टू की जो लाइव क्लास है वो मॉर्निंग में होगी स्टार्टिंग सेवन थर्टी फेज वन की लाइव क्लास इवनिंग में होगी स्टार्टिंग सिक्स थर्टी वी माई चेंज इंग टू सिक्स क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो फिफ्टी अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट जनवरी फेज टू क्लासेस ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए तीन साढ़े तीन महीने में आपका सारा फेज टू कवर हो जाएगा एंड फिफ्टींथ अक्टूबर से ट्वेंटी सेवन दिसंबर जस्ट विद इन टू एंड हाफ मंथ योर फेज वन विल फिनिश ये क्लासेज आपको अलग से नहीं लेनी है दीज आर पार्ट ऑफ योर गोल्ड एंड सिल्वर पैकेजेस जो भी गोल्ड पैकेज में है यहाँ पे जो बात हो रही है जो भी गोल्ड पैकेज में लोग हैं उनको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो सिर्फ सिल्वर पैकेज में होंगे ये गोल्ड पैकेज है जो सिल्वर पैकेज में एनरोल्ड होंगे उनको सिर्फ फेज टू क्लासेस मिलेंगी फेज वन लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी सिल्वर पैकेजेज मेनली फॉर फेज फेसिक्स से पढ़ाया जाएगा एक टारगेट लेके पढ़ाया जाएगा एक बहुत डिटेल्ड शेड्यूल आपको दिया गया है आपको उस टारगेट को मीट करना है उसके लिए आपको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा योर सेल दैट आई विल अटेंड दिस लाइव क्लासेस आई आई डाउट्स प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन अच्छे से एक सहज तरीके से इन अ प्रॉपर मैनर इन अ शेड्यूल्ड मैनर इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर यू नीड टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई राइट नाउ टाइम पास करने के लिए मत आइएगा यहाँ पे ठीक है दे आर गोइंग टू बी वेरी इनग्रोसिंग मजे से पढ़िएगा अपने टीचर्स को तो चैलेंज भी करो क्वेश्चन भी पूछो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ दैट वुड बी दी होल आइडिया दैट आई वुड वॉन्ट माई टीचर्स एंड आई वुड वॉन्ट यू स्टूडेंट्स टू वर्क अपॉन ड्यूरिंग दिस क्लास तो थैंक यू दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड बाय जय हिंद